सरसा में चौधरी देवीलाल की 106वीं जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस दौरान दिग्विजय सिंह चौटाला और नैना चौटाला ने चौधरी देवीलाल को प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने पूरी तरह से तैयार हैं और हरियाणा की जनता अब बदलाव चाहती है। बीजेपी जल्दी घोषणा पत्र जारी करेगी जिसमें हर वर्ग के हितों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नवरात्रों में प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तौर पर तैयार है। हमने पहली लिस्ट जारी कर दी है, नवरात्रे की शुरुआत में दूसरी लिस्ट भी जारी हम कर देंगे और माता के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश की जनता, 36 बिरादरी, हर वर्ग के सहयोग समर्थन से, आपने रोहतक में रैली देखी और उसका रूप देखा, इतनी भीड़ और इतना उत्साह, इतना जोश बुजुर्गों तक, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हरियाणा की जनता बदलाव के लिए खड़ी हो चुकी है और दुष्यंत को अपना आशीर्वाद देने जा रही है।